अलैकुम दोस्तों, सबका वेलकम हो गया न्यू ब्लॉग में। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें। आप लोग कह रहे हो ये क्या हाल बना लिया आपने तो हमारे घर में वो अंकल फिर से दोबारा आ चुके हैं पेंट करने। वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चले गए थे तो अब दोबारा आ चुके हैं। ये देखें अभी ये छत फाइनल हो रही है, वगैरह ख़राब थी इस साइड से हो चुकी है और सारी मतलब इन्होंने रंगाई शुराई कर ली है। आपको थोड़ा ना वाजी नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये सारा रगड़ा शड़ा गड़ाई हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एसी पे हमने कपड़ा दे दिया था, हमने सेंटर में कर दिया। और ये हमारी कबर्ड वगैरह है और ये हमारा फ़ैन है। अब ये देखें ये बेड हमने सेंटर पर कर दिया कि लू अंदर में पक्की करने के लिए। बाकी हमने कमरों में करवाया बच्चे वाला पेंट, इसमें हम करवा रहे हैं बाल्टी वाला पेंट क्योंकि हमें अच्छा और मजबूत लगेगा। जब फाइनल लुक हो जाएगी ना क्या आज इंशाल्लाह आपको फाइनल कर देंगे। तो ये देखें यहाँ से जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ये इतनी अच्छी उन्होंने कवर की ना पता ही नहीं चल रहा कि मतलब यहाँ से पहले ऐसी जगह थी कि नहीं। बहुत ही माशाल्लाह इनका कारीगर है, ये मतलब बहुत ही प्यारा करते हैं पेंट वगैरह। जैसे कि आप देख सकते कितना माशाल्लाह ने ऊपर से भी कवर कर लिया, वैसे था जैसे आपको दिखाई दे रहा है वहाँ। तो अब ये पेंट आपको दिखाता हूँ कौन सा अंदर से। ये पेंट है ये वाला ढक्कन पे बना हुआ है, पर ये ऐसा पेंट नहीं आपको दिखाता हूँ इसका अभी फाइनल लुक नहीं हुआ तो जैसे होता है फिर आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए चलते हैं ऊपर। ऊपर हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स वगैरह को किसी बना डाला है कि नहीं। ये हमारी डक्स के बेबीज़ हैं, ये कह रहे बाहर निकालो बाहर। क्या बात है, ये कह रहे हमें बाहर निकालो। शुक्र है खाने लगे, अब इनको लॉक करके ऊपर चलते हैं सीधा। चल तो यार हम ऊपर आए तो आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है। एक और पिजन पता नहीं कहाँ चला गया, एक तो ये बैठा ब्लैक कलर का। शुक्र है एक ग्रे कबूतर यहाँ आके बैठ चुका है, शुक्र है। हाँ ये आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से लीकेज वगैरह है, ये सारी प्लास्टर करवा लें। अभी सबको बंद करते क्योंकि कबूतर ना दाना नहीं खा सकते। चलो क्या बात, नहीं खुडी 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 यार इनको पहले बंद कर ले फिर आपको दिखाते हैं। यार ये डक्स बहुत मज़े में है। अब हवा आने दें इनको, जरा हटो, हवा आ रही है इनको, बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले ये ना मुँह खोल रही थी, अब शायद इन्होंने बंद कर दिया, मुँह खोलना कम कर दिया। अब आज ना एक और अंकल पे है, मैंने तो फैक्ट वजह से बात करता। जैसे हम ना उस साइड से आए हैं ना तो सारे डक्स वगैरह ना कूलर के आगे हो गई हैं, उनको लग रहा बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडी ठंडी कस्सों से। ये देखें बहुत ही मज़ा कर रही है। ये तो आपको कह रहा था यार कल आज ना पेंट वाले अंकल भी नहीं आए, उनको ज़रा कहीं काम से जाना था, वो वहाँ पर चले गए। पेंट वाले अंकल नहीं आए तो अभी काम रुका हुआ है, दूसरे कमरे में होना है सिर्फ अभी। यार ये हम ना छोटे मुर्गे ना, क्या करें।